हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अप टू इनफिनिटी। आज हम करेंगे पंजाब मास्टर कैडर का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर जो 2017 में हुआ था। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यू ऑफ 1 प्लस 2 ओवर 2 प्लस 3 ओवर 4 प्लस 4 ओवर 8 प्लस 5 ओवर 16। इस सीरीज की सम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, तो देखिए कैसे करेंगे। 1 प्लस 1 ओवर 2 इंटू 2 एंड 1 ओवर 4 एंड 3। हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं ब्रेक करके, इसे 3 को अलग लिख दिया 1 ओवर 4 प्लस ये 1 ओवर 8 हो जाएगा एंड दिस वन इज 4, 1 ओवर 16 एंड 5। इसे अलग से देखेंगे ये 1 1 हो जाएगा। ये जो सीरीज है इसे हम अलग से देखेंगे और जो ये है इसे अलग से। जो ये सीरीज है 1 2 3 4 5, ये एक एपी है एंड 1 1 ओवर 2 1 ओवर 4 1 ओवर 8 एंड 1 ओवर 16, ये एक जीपी है, जीपी विद रेशो 1 ओवर 2। तो एपी में हम फर्स्ट टर्म एंड डिफरेंस देख लेते हैं, इसे ए लिख देते हैं। एपी की फर्स्ट टर्म ए हो जाएगी एंड डिफरेंस हो जाएगा इनका 2 माइनस 1 1। अब हम जीपी में देख लेंगे, जीपी में फर्स्ट टर्म को बी लिख देते हैं एंड आर 1 ओवर 2 ओवर 1 1 ओवर 2 हो जाएगा, आर 1 ओवर 2 है यहां। अगर कभी भी सीरीज एपी एंड जीपी में इस तरह से मिक्स दे रखी हो और उसका सम फाइंड आउट करना हो तो इस तरह से करेंगे। उसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है, सम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स एपी एंड जीपी दे रखी हो जब, तो ये फॉर्मूला ए बी ओवर 1 माइनस आर प्लस डी बी आर ओवर 1 माइनस आर होल स्क्वायर। अब यहां वैल्यूज रख देंगे, ये सभी वैल्यूज जो दे रखी हैं यहां रख देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ए बी, ए बी की मल्टीप्लाई 1 1 1 हो जाएगा यहां ओवर 1 माइनस आर 1 माइनस हाफ प्लस डी बी आर, डी बी एंड आर 1 1 एंड हाफ, तो ये हाफ हो जाएगा एंड 1 माइनस 1 ओवर 2 होल स्क्वायर हो जाएगा यहां। ये बनेगा 1 ओवर 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 ओवर, ये 1 ओवर 2 का स्क्वायर 1 ओवर 4 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लेंगे, ये बनेगा 2 प्लस 1 ओवर 2 एंड 4 ओवर 1, ये भी 2 हो जाएगा एंड यहां से 4 हो जाएगा। तो इस सीरीज का जो सम होगा वो 4 हो जाएगा और ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स रेडियस। रेट ऑफ चेंज क्या रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ चेंज को डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज मींस डेरिवेटिव। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या होता है, 4 ओवर 3 पाई आर क्यूब एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ इट डी वी ओवर डी टी। जो रेट ऑफ चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, ये किसके इक्वल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स रेडियस, इट मींस डी आर ओवर डी टी, इसे इक्वल रखेंगे और आर की वैल्यू आ जाएगी डी वी ओवर डी टी। ये बनेगा डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू, डेरिवेटिव करेंगे 4 ओवर 3 3 पाई आर स्क्वायर एंड आर का विद रिस्पेक्ट टू टी हो जाएगा, ये कैंसल आउट, यहां से बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर ओवर डी टी। ये कंडीशन दे रखी है, यहां हम वैल्यू रख देंगे तो ये बन जाएगा
फोर पाई आर स्क्वायर डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू डी आर ओवर डी टी, ये कैंसल आउट, देन फोर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू वन हो जाएगा, यहां से आर की वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर वन ओवर फोर पाई एंड आर इज इक्वल टू प्लस माइनस वन ओवर टू रूट पाई, रेडियस है नेगेटिव नहीं होगी तो रेडियस ये हो जाएगी एंड ऑप्शन डी यहां से करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स कोस एक्स, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले हम इसे वन ओवर टू एंड टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड टू से डिवाइड कर देते हैं ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए. ये बनेगा वन ओवर टू साइन टू एक्स, ये साइन टू एक्स का फॉर्मूला होता है तो ये बन जाएगा और साइन एक्स माइनस वन टू वन में लाई करता है तो इसका मतलब साइन टू एक्स जो है वो माइनस वन टू वन में लाई करेगा और हमें चेक करना है इस पूरे को तो हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे. ये हो जाएगा वन ओवर टू और हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी हाफ हो जाएगी एंड दिस वन इज मिनिमम वैल्यू तो यहां से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू मेक डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डीवाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो एग्जैक्ट, कोई इक्वेशन एग्जैक्ट कब होती है, अगर हमें इक्वेशन दे रखी है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में अगर इक्वेशन दे रखी हो देन हम कर्ल एम ओवर कर्ल वाई फाइंड आउट करेंगे एंड कर्ल एन ओवर कर्ल एक्स फाइंड आउट करेंगे, अगर ये दोनों डेरिवेटिव्स इक्वल हो जाते हैं तो इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाती है. अब हमें इस इक्वेशन को चेक करना है और अगर इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होती तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ता है जिसे m से मल्टीप्लाई करनी होती है और n से मल्टीप्लाई करनी होती है एंड देन डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है और फिर वो एग्जैक्ट हो जाती है इक्वेशन. तो हमें इस इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाना है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है. इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होते हैं वो यूनिक नहीं होते तो जरूरी नहीं है कि हम जिस मेथड से इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे वो हमें ऑप्शन में मिले. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए बेटर वे टू गो थ्रू ऑप्शंस, तो हम डायरेक्ट बाय ऑप्शंस चेक कर लेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन सा होगा. देखिए ऑप्शन से कैसे चेक करते हैं, जैसे फर्स्ट ऑप्शन ले लिया माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर, इसे m से मल्टीप्लाई करेंगे. अब हमारे पास यहां m क्या है, यहां m की वैल्यू माइनस ऑफ y है जो dx के साथ है, यहां माइनस y एंड n x. जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तब m क्या बन जाएगा, माइनस y माइनस ऑफ वन ओवर एक्स स्क्वायर और ये बनेगा y ओवर एक्स स्क्वायर और n x है और मल्टीप्लाई करेंगे वन ओवर एक्स स्क्वायर से तो ये बनेगा माइनस वन ओवर एक्स. कर्ल एम ओवर कर्ल वाई फाइंड आउट करेंगे तो यहां से वैल्यू बनेगी वन ओवर एक्स स्क्वायर क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट रेट होगा एक्स और डेरिवेटिव हो जाएगा वाई का, वन ओवर एक्स स्क्वायर हो जाएगा एंड कर्ल एन ओवर कर्ल एक्स करेंगे जब हम तो ये बनेगा वन ओवर एक्स स्क्वायर. तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब दिस वन इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा. लेकिन इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूनिक नहीं होते हैं तो हो सकता है कोई और ऑप्शन भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाए, जैसे बी ऑप्शन चेक करते हैं. ऑप्शन बी में वन ओवर एक्स है, एम बन जाएगा यहां इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ऑफ वाई एंड वन ओवर एक्स एन एक्स
वन ओवर एक्स, तो ये बनेगा माइनस वाई ओवर एक्स एंड ये बनेगा वन। जब हम डेरिवेट करेंगे ये तो माइनस वन ओवर एक्स बन जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, इक्वल नहीं हुए तो ऑप्शन बी इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं होगा। एंड ऑप्शन सी वन ओवर वाई दे रखा है, इसी तरह से वाई को भी चेक कर लेंगे वन ओवर वाई से मल्टीप्लाई करके, ऑप्शन सी भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं बनेगा। लेकिन जब हम ऑप्शन डी चेक करेंगे, देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर वन ओवर वाई स्क्वायर, तो एम बनेगा माइनस वाई वन ओवर वाई स्क्वायर, तो ये बन जाएगा माइनस वन ओवर वाई एंड एन बनेगा एक्स ऑलरेडी है एंड वन ओवर वाई स्क्वायर, और ये बन जाएगा एक्स ओवर वाई स्क्वायर। जब हम इंटीग्रेट करेंगे सॉरी डेरिवेट करेंगे तो ये बनेगा वन ओवर वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड कर्ल एन ओवर कर्ल एक्स, ये बनेगा वन ओवर वाई स्क्वायर। अब भी ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो वन ओवर वाई स्क्वायर भी इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर दो मिले हैं हमें और इसका ऑप्शन डी भी करेक्ट होगा एंड ऑप्शन ए भी करेक्ट होगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कभी भी यूनिक नहीं होते, इसीलिए बाय ऑप्शन जाना बेटर वे है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर यूनिट वेक्टर्स दे रखे हैं, थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन देम एंड इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यूनिट वेक्टर दिए हैं तो मैग्नीट्यूड वन हो जाएगा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों का, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर माइनस टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसकी वैल्यू वन प्लस वन माइनस टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये बन जाएगा टू माइनस टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, देखिए कैसे, कोस थीटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर होता है और ये हमें यूनिट वेक्टर दे रखे हैं, तो ये बनेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर वन हो जाएगा, तो इनके डॉट प्रोडक्ट कोस थीटा हुई, हम यहां वैल्यू रख देंगे तो ये बन जाएगा टू माइनस टू कोस थीटा, टू कॉमन आ जाएगा वन माइनस कोस थीटा, ये सब इसी के इक्वल चल रहा है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर स्क्वायर के, हमने यहां से वैल्यू लेकर के यहां पुट की है और इसी के इक्वल चल रहा है ये, तो ये बन जाएगा टू और ये होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, ये बना फोर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी इस तरफ रूट हो जाएगा तो ये बनेगा टू साइन थीटा बाय टू और यहां से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रिजेक्ट्री ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स एफ ऑफ एक्स वाई एंड डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, हमें इसकी ऑर्थोगोनल ट्रिजेक्ट्री की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। किसी भी इक्वेशन से जब हम ऑर्थोगोनल ट्रिजेक्ट्री की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं तो डी वाई ओवर डी एक्स को रिप्लेस कर दिया जाता है माइनस ऑफ डी एक्स ओवर डी वाई, रिप्लेस करके उसके बाद इंटीग्रेट करके उसे सॉल्व कर लिया जाता है, तो जो ट्रिजेक्ट्री की इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एफ एक्स एज इट इज रहेगा वाई एज इट इज रहेगा एंड डी वाई ओवर डी एक्स किस में रिप्लेस हो जाएगा माइनस ऑफ डी एक्स ओवर डी वाई में एंड इज इक्वल टू जीरो, तो ये हमारा बी ऑप्शन है जो कि करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्टिकुलर इंटेग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू ई पावर माइनस ऑफ थ्री एक्स,
हमें पर्टिकुलर इंटेग्रल फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हम इसे ऑक्सिलरी इक्वेशन में लिख लेंगे, डी बाय सॉरी डी डी ओवर डी एक्स को डी लिखेंगे, तो ये बनेगा डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3y इज इक्वल टू ई माइनस ऑफ 3x। पर्टिकुलर इंटेग्रल फाइंड आउट करना है तो 1 ओवर डी स्क्वायर माइनस प्लस 4d प्लस 3 एंड ई पावर माइनस ऑफ 3x। अगर हमें ई पावर में दे रखा हो तो जो x का कोफिशियंट होता है वो यहाँ पुट किया जाता है, डी को रिप्लेस कर दिया जाता है उस कोफिशियंट से, तो डी इज इक्वल टू माइनस 3 रखेंगे, ये बन जाएगा यहाँ माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 प्लस 3 और ये एज इट इज यहाँ आ जाएगा, ये बन जाएगा 1 ओवर 9 माइनस 12 प्लस 3 ई पावर माइनस ऑफ 3x। यहां से 1 ओवर 0 हो जाएगा, अगर डिनोमिनेटर में 0 हो जाए तो केस ऑफ फेलियर हो जाता है, और केस ऑफ फेलियर की सिचुएशन के अंदर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव किया जाता है, तो जब यहां 0 आ गया तो ये केस ऑफ फेलियर बनेगा और यहां हम डेरिवेटिव कर देंगे डिनोमिनेटर का। और जिस रिस्पेक्ट से हमें ये इक्वेशन दे रखी हो, जो गिवन इक्वेशन है वो सब विद रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहा है, तो जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो यहां पहले एक्स लिखा जाएगा जिस रिस्पेक्ट से हमें इक्वेशन दे रखी है। अगर यहां डी एक्स ओवर डी वाई होता तो हम यहां वाई लिखते, अब एक्स है तो यहां एक्स लिखा जाएगा एंड वन ओवर, फिर हम यहां इसका डेरिवेटिव कर देंगे, न्यूमिनेटर का नहीं डिनोमिनेटर का होगा, यहां बनेगा 2d प्लस 4 एंड e पावर माइनस ऑफ 3x एज इट इज रखा जाएगा। अब हम फिर से वैल्यू पुट करेंगे, ये x वैसे का वैसे 1 ओवर 2, यहां d माइनस ऑफ 3 प्लस 4 e पावर माइनस ऑफ 3x हो जाएगा, x 1 ओवर माइनस ऑफ 6 प्लस 4 एंड ई पावर माइनस 3x, ये बन जाएगा माइनस एक्स ओवर 2 ई पावर माइनस ऑफ 3x और ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन 0 टू 1 इन x माइनस 1 dx, मॉडुलस फंक्शन है और उसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि ये मोड इस लिमिट के अंदर पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। ये जो फंक्शन है ये 1 पे ब्रेक होगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे ये x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा एंड 1 से लेस के लिए ये क्या बनेगा, अगर नहीं पता चले तो यहां वैल्यू पुट करके देख लो, 1 से लेस अगर हम यहां रखेंगे हाफ ही रख लें, हाफ माइनस 1 ये माइनस ऑफ हाफ हो जाएगा, यानी 1 से लेस के लिए जो ये मोड है वो नेगेटिव होगा एंड 1 से ग्रेटर के लिए ये पॉजिटिव होगा, लेकिन हमें लिमिट इस लिमिट के अंदर इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है जो 0 टू 1 है, तो ये 1 से लेस हुआ और 1 से लेस के लिए जो ये मोड है वो माइनस में ओपन होगा, तो हम इसे सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे, यहां माइनस हो जाएगा एक्स माइनस 1 डीएक्स। अगर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू 2 होती एंड मोड दिस 1, अब ये ब्रेक 1 पे होगा, 1 से लेस के लिए नेगेटिव एंड 1 से ग्रेटर के लिए ये पॉजिटिव, तो ये ब्रेक हो जाता 0 टू 1, 0 टू 1 नेगेटिव एंड 1 टू 2 ये 1 से ग्रेटर के लिए पॉजिटिव होगा, ये x माइनस 1 हो जाता, फिर हम इस तरह से ब्रेक करते हैं, लेकिन ये 0 टू 1 दे रखा है तो ये सिर्फ नेगेटिव हो जाएगा। अब हम इंटीग्रेट कर देंगे, ये बन जाएगा 0 टू 1 माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 डीएक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स एंड लिमिट्स लगा देंगे, माइनस ऑफ हाफ प्लस 1 बन जाएगा एंड हाफ हो जाएगा और ऑप्शन ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
ए 1 माइनस 3 माइनस 2 एंड बी इज इक्वल टू 2 माइनस 1 एंड माइनस 4, देन यूनिट वेक्टर ए बी, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है हमें ए बी वेक्टर का। तो सबसे पहले हम ए बी वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। ए बी के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये बनेगा बी का पोजीशन वेक्टर, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस 4 माइनस ऑफ 1 माइनस 3 एंड माइनस 2। जब हम माइनस करेंगे ये बनेगा 1 माइनस 1 माइनस माइनस 3, -1 माइनस एंड -3, तो ये -1 प्लस 3 हो जाएगा 2 माइनस 4 माइनस एंड -2, -4 प्लस 2, ये -2 हो जाएगा। इसे क्या लिख लेंगे, आई, इसे आई के साथ जे एंड के यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, i+2j -2k हो जाएगा ये। और यूनिट वेक्टर किस तरह से लिखते हैं, जैसे ए वेक्टर है कोई, उसका अगर हमें यूनिट वेक्टर लिखना है तो ये बनेगा ए वेक्टर ओवर मोड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो जाता है। तो इसका जब हम यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे अब हम, ये बनेगा कोफिशियंट्स का स्केयर होता है यहाँ, ये 1+2² + -√, ये बन जाएगा 1+4+4 एंड 3 हो जाएगा ये। तो डिवाइड कर देंगे हम, ये बनेगा यहाँ 1 है, अब यूनिट वेक्टर लिख रहे हैं 1/3, पूरे के बाहर ही लिख देते हैं i+2j -2k, और ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ यू वेक्टर, वी वेक्टर एंड डब्ल्यू वेक्टर आर वेक्टर सच दैट यू वेक्टर प्लस वी वेक्टर प्लस डब्ल्यू वेक्टर इज इक्वल टू 0 दिया है, यू वेक्टर 3, वी वेक्टर इज इक्वल टू 4 एंड डब्ल्यू वेक्टर इज इक्वल टू 5, ये गिवन है हमें। और वैल्यू फाइंड आउट करनी है यू वेक्टर डॉट वी वेक्टर प्लस वी वेक्टर डॉट डब्ल्यू वेक्टर प्लस डब्ल्यू वेक्टर डॉट यू वेक्टर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यू वेक्टर प्लस वी वेक्टर प्लस डब्ल्यू वेक्टर स्क्वायर कर देंगे, ये बन जाएगा यू स्क्वायर वी वेक्टर स्क्वायर एंड डब्ल्यू वेक्टर स्क्वायर प्लस 2u.v +2v.w। डायरेक्ट फॉर्मूला ही ओपन किया है, u.w, तो ये वैल्यू हमें 0 गिवन है, यहां 0 रख देंगे, इज इक्वल टू u वेक्टर दिया है 3, स्क्वायर है देन 3² हो जाएगा प्लस यहाँ 4² हो जाएगा एंड दिस वन 5² हो जाएगा, ये सभी वैल्यूज गिवन थी। यहां से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा u वेक्टर डॉट v वेक्टर प्लस v वेक्टर डॉट w वेक्टर प्लस u वेक्टर डॉट w वेक्टर। अब ये वैल्यू बनेगी 9+16+25 +2, ब्रैकेट में ये पूरा का पूरा लिखा जाएगा, इसकी तो हमें वैल्यू फाइंड आउट ही करनी है। देन ये पूरा हम इस तरफ ले आएंगे तो ये -50, ये ऐड करेंगे 50 हो जाएगा, इस तरफ -50 2 × u.v वेक्टर प्लस वी वेक्टर डॉट डब्ल्यू वेक्टर प्लस यू वेक्टर डॉट डब्ल्यू वेक्टर, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये बनेगा -25 इज इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी और इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी और यहां से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।